बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा हम पढ़ रहे हैं, सेकंड हीरो है। और ये जो डेट लगी हुई है 6, यहाँ तक कल हमने रीडिंग की थी इसकी, आज हम इंशाल्लाह उम्मीद है इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसकी रीडिंग करते हैं। दैट नाइट, उस रात, ही ले इन हिज स्लीपिंग बैग, वो लेटा हुआ अपने सोने वाले बैग में, पिक्चरिंग हिमसेल्फ, तसव्वुर कर रहा था, डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, खुद को भूख और प्यास से मरता हुआ। इफ़ द प्रोफेसर डिड नॉट अराइव इन द नेक्स्ट डे और टू, अगर प्रोफेसर अगले एक दो रोज़ में वहाँ ना पहुँचता। ही हैड विद हिम अ स्मॉल रिकॉर्डिंग मशीन, उसके पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन थी। द नोशन ऑफ डेथ, मौत के ख्याल ने, नोशन का मतलब थाट, सजेस्टेड टू हिम, उसको ये तजवीज़ किया, दैट इट माइट बी अ गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा आइडिया होगा, टू रिकॉर्ड हिज लॉस्ट थॉट, कि वो अपनी आखिरी ख्यालात को रिकॉर्ड कर दे, फॉर द बेनिफिट, फ़ायदे के लिए, ऑफ दोज उनके, हु फाउंड हिज बॉडी, जिनको उसकी लाश मिलेगी, उनके फ़ायदे के लिए वो अपनी आखिरी सोचें रिकॉर्ड कर दे। द सेट वॉज बैटरी ऑपरेटेड, ये सेट बैटरी से चलता था, विथ थिन वायर और एक पतली सितार, एज द रिकॉर्डिंग मीडियम, जो कि रिकॉर्डिंग का काम करती थी, वायर तार। इट डॉन ऑन हिम, डॉन का मतलब रिवील्ड, और ये उस पर खुला सडनली अचानक, दैट हेयर वॉज द रोप ही नीडिड, कि यही वो रस्सी थी जिसकी उसे ज़रूरत थी, टू रीच द वाटर इन द वेल, कुएं के पानी तक पहुँचने के लिए। द वायर वॉज वेरी थिन, ये तार बहुत पतली थी, लिटल थिकर, थोड़ी सी मोटी, दैन अ ह्यूमन हेयर, एक इंसानी बाल से, यानी इंसानी बाल से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी थी। बट इट वॉज अबाउट 305 meters, लेकिन ये तकरीबन 305 meters लॉन्ग, लंबी थी। बाय पुटिंग सेवरल स्टैंड्स टूगेदर, इसकी कई डोरियाँ आपस में लपेट कर, इट शुड बी पॉसिबल टू मेक अ लाइन, ये मुमकिन था कि एक डोरी बना ली जाती लॉन्ग इनफ, जो इतनी लंबी होती, और टू बियर स्ट्रॉन्ग इनफ, सॉरी, जो इतनी मजबूत होती, टू बियर द वेट ऑफ ए स्मॉल टीपॉट, के जो बर्दाश्त कर सकती, बियर बर्दाश्त करना, एक छोटे से चायदानी के वजन को, हाफ फुल ऑफ वाटर, जो पानी से आधी भरी हुई होती। द स्कीम वर्कड, उसका यह मनसूबा काम कर गया, 7 strands of wire, वायर की, तार की 7 लड़ियाँ, लेबरियसली ट्विस्टेड टुगेदर, जो बड़ी लेबरियसली मेहनत के साथ, ट्विस्टेड टुगेदर, उसने आपस में उनको बल दिए, जस्ट रीच कम्फर्टेबली टू वाटर लेवल इन द वेल, और ये बड़े कम्फर्टेबली आराम से पहुंच गई कुएं में पानी की सतह तक, कुएं में पानी की सतह तक ये आराम से पहुंच गई। द लिक्विड ब्रॉट अप इन द टी पॉट, और इस टी पॉट में जो माया ऊपर लाया, वॉज नॉट पर्टिकुलरली इन्वाइटिंग, वो इन्वाइटिंग नहीं था, यानी एपेटाइजिंग नहीं था, मज़ेदार नहीं था। इट वॉज लाइक ए मिक्सचर ऑफ मड एंड सल्फर, ये कीचड़ और सल्फर का एक मिक्सचर था, बट इट वॉज ड्रिंकेबल, लेकिन ये ड्रिंकेबल था, ड्रिंकेबल का मतलब पीने के काबिल। एंड इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, और ये उसको प्यास के साथ मरने से बचा सकता था। ही स्पेंड द होल मॉर्निंग, उसने सारी सुबह गुजार दी, ड्राइंग अप पॉटफुल आफ्टर पॉटफुल, वो बर्तन भर भर के ड्रॉ करने की, पानी निकालने की, एंड वॉज एबल टू कलेक्ट 5.23 liters, और वो 5.23 liters टू टेक बैक टू द बुर्ज, 5.23 liters टू टेक बैक टू द बुर्ज, तो 5 से मुराद गैलन है, और ये तकरीबन 23 liters बनते हैं, ये बुर्ज में वापस ले गया वो। द फॉलोइंग इवनिंग, अगली शाम, एज ही सैट आउटसाइड द बुर्ज, जब वो बुर्ज के बाहर बैठा हुआ था, स्टेरिंग, देख रहा था गौर से, ओनली हाफ कॉन्शियसली, हाफ कॉन्शियसली का मतलब बेदहानी से देख रहा था, एट द होराइजन, उफक की तरफ। उफक पहले भी आपको बताया था, जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको उफक बोलते हैं। ही नोटिस्ड, उसने देखा, अ स्मॉल सैंड स्टॉर्म, एक रेत का छोटा सा तूफान, ब्लोइंग वैगली, वैगली का मतलब मुबहम, गैर वाज़े अंदाज में, इन
हिज डायरेक्शन, जो उसकी तरफ आ रहा था। ब्लोइंग का मतलब चल रहा था यानी उसकी तरफ आ रहा था। कुड इट बी द डस्ट रेज्ड बाय अ कार, क्या ये एक कार की उड़ाई गई डस्ट थी? नो, नहीं, देर वॉज टू मच फॉर इट फॉर दैट, नहीं, ये कार की उड़ाई गई डस्ट से बहुत ज़्यादा डस्ट थी। देर वॉज इन डीड टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप, बिलाशुबा ये इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि इसको एक छोटी जीप नहीं उड़ा सकती थी। बट इट वॉज ए रेस्क्यू पार्टी नन द लेस, बहरहाल ये एक रेस्क्यू पार्टी थी। रेस्क्यू पार्टी का मतलब बचाव वाली पार्टी, बचाने वाली पार्टी थी। द बिग डेजर्ट पेट्रोल कार, बड़ी बड़ी डेजर्ट सहराई पेट्रोल कार्स, गश्त करने वाली गाड़ियाँ, केम रोरिंग अप टू द बुर्ज, गुर्राती हुई बुर्ज तक पहुँची। एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, और मौत, रिलक्टेंटली का मतलब हेजिटेटिंगली, ना चाहते हुए डिपार्टेड वहाँ से रवाना हो गई। क्लॉड बेलिंगनन एंड ए फ्रेंड अराइव्ड अ फ्यू आवर्स लेटर इन द जीप, क्लॉड बेलिंगनन और उसका एक दोस्त भी चंद घंटे बाद जीप में पहुंच गए। व्हाट हैड हैपन्ड वाज दैट, और जो कुछ हुआ वो ये था, दे हैड मिस्ड मीटिंग क्रिस्टोफर ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट टू डे डिटूअर, जो 2 दिन का क्रिस्टोफर ने कारवान के साथ डिटूअर किया था यानी असल रास्ते से हट गया था 2 दिन के लिए, उसके दौरान क्रिस्टोफर की क्लॉड बेलिंगनन से मुलाकात ना हो सकी। दे हैड लेटर बीन मिसडायरेक्टेड बाय अ नेटिव, दे हैड लेटर बीन, बाद में उन्हें मिसडायरेक्टेड, गलत डायरेक्ट कर दिया, गलत रहनुमाई की बाय अ नेटिव, एक मुकामी आदमी ने, यानी एक मुकामी आदमी ने उनको गलत बताया। हु थॉट, जिसका ख्याल था क्रिस्टोफर हैड रिटर्न टू आगादेस, के क्रिस्टोफर आगादेस वापस चला गया था। When they reached Agadez, जब वो Agadez पहुँचे and discovered, और उन्हें पता चला the native's error, native की गलती, उस मुकामी आदमी की गलती का उन्हें पता चला। Bellingernan realized, तो Bellingernan को एहसास हुआ that Christopher must have missed them on the road, के Christopher सड़क पर उनके साथ नहीं मिल सका होगा, and that he was probably waiting, और वो शायद इंतज़ार कर रहा हो at in Abengarret में, शॉर्ट ऑफ फूड, बगैर खाने के। ही वेरी सेंसिबली, उसने बड़ी समझदारी से गॉट इन टच विद द डेजर्ट पेट्रोल, वो सहराई गश्त करने वाली पार्टी से टच में रहा, रबते में रहा। एंड दे सेंट आउट 4 ट्रक्स, और उन्होंने 4 ट्रक भेजे टू कवर द डेजर्ट नॉर्थ फ्रॉम आगादेस, जिसने आगादेस से नॉर्थ की तरफ सहरा को कवर किया। एंड इन पर्टिकुलर टू विजिट इन Abengarret, और इन पर्टिकुलर खास तौर पर उन्होंने Abengarret का विजिट किया। हिज फोर साइट, उसकी पेशबिनी, समझदारी ने सेव्ड क्रिस्टोफर लाइफ, क्रिस्टोफर की ज़िंदगी बचा ली। एंड एनेबल द हिच हाइकिंग जर्नी अक्रॉस द सहारा, और एनेबल काबल बनाया सहारा का, हिच हाइकिंग का सफ़र, टू एंड इन रिटर्न टू द हॉगर रीजन, के इसका अख्ताम हॉगर रीजन इलाके में हो। इंस्टेड ऑफ, बजाय, इन अ सैंडी ग्रेव, एक रेतली कब्र के, इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बिल्कुल दरमियान में। बच्चों आज चैप्टर ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन इसके हमने 10 कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टे एट इन Abengarret, इन Abengarret में उसका स्टे बयान करें। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर देयर, और क्रिस्टोफर वहाँ पानी हासिल करने में कैसे कामयाब रहा। एट इन Abengarret, इन Abengarret में अ बुर्ज वॉज द ओनली बिल्डिंग, एक बुर्ज वाहद इमारत थी, कंसिस्टिंग ऑफ ए रूफ एंड 4 वॉल्स, जो 4 दीवारों और एक छत पर मुश्तमिल थी। द वेल कुआं वॉज अबाउट 270 meters अवे, तकरीबन 270 meter दूर था। बट वाटर वॉज 46 meter बिलो, लेकिन पानी 46 meter नीचे था। ही टुक अ टेप रिकॉर्डर्स वायर, उसने एक टेप रिकॉर्डर की वायर निकाली। एंड टाइड इट विद अ कप, और इसे कप के साथ बांधा। एंड लोअर्ड इट इन द वेल, और इसे नीचे वेल में भेज दिया, लटकाया। दिस मेथड वर्कड, ये तरीका काम कर गया। एंड ही सक्सीडेड इन कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर, और वो बहुत सा पानी जमा करने में कामयाब हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ दिया था जानबूझकर, वो दोबारा करते हैं, सॉरी वो अब करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ दिया था।
हाउ डिड ही सेव द हीरोज़ लाइफ टुवर्ड द एंड ऑफ हिच हाइक, क्योंकि ये बिल्कुल जो लास्ट पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है, तो वो हमने कल नहीं पढ़ा था, आज पढ़ा है, इसलिए अब आज ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन द हाउ डिड ही सेव द हीरोज़ लाइफ, यानी क्लॉड बेलिंगन की बात हो रही है कि किस तरह उसने हीरो की ज़िंदगी बचाई टुवर्ड द एंड ऑफ द हिच हाइक, इस हिच हाइक के अख्ताम पर। व्हेन द प्रोफेसर कुड नॉट फाइंड क्रिस्टोफर, जब प्रोफेसर ने ना पाया क्रिस्टोफर को एट द अपॉइंटेड प्लेस, मुकर्रा जगह पर, ही वेरी सेंसिबली रियलाइज्ड, तो बड़ी समझदारी से उसको ये एहसास हुआ द ट्रू सिचुएशन, हकीकी सूरत हाल का, एंड गॉट इन टच विद द डेजर्ट पेट्रोल, और वो सहराई गश्त करने वाली पार्टी से टच में रहा। सो द रेस्क्यू पार्टी रीच्ड, लिहाजा वो बचाव वाली पार्टी पहुंच गई जस्ट इन टाइम, बर वक़्त, टू सेव क्रिस्टोफर लाइफ, क्रिस्टोफर की ज़िंदगी टुवर्ड द एंड ऑफ द हिच हाइक, इस हिच हाइक के इख्तिताम पर। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर जो है 12th वो कंप्लीट हो गया है, कल इंशाल्लाह कोई और चीज़ करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।